श्री श्री ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु, जय जय श्री कृष्णा। ओ गॉड, प्लीज गाइड मी इन राइट पाथ। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्व विद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। आई एम हर्षल कैलाश हलगरकर, 15 इयर्स ओल्ड, फ्रॉम पनवेल, नवी मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेनी पीपल, व्हाट इज सत्संग? क्या है ये सत्संग? सत्संग इज अ एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल, एसोसिएशन ऑफ गुड थॉट्स। सत्संग केवल भजन, कीर्तन, गाना, प्रसाद यही नहीं है। ठाकुर जी ने अलग ही डेफिनेशन दी है सत्संग की। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, जजन प्लस याजन प्लस इष्टवृत्ति प्लस सत्संग सदाचार इक्वल्स टू सक्सेस। एवरीथिंग वी कैन अचीव, नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स बट ऑल्सो पीस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। देर इज नो एज लिमिट, देर इज नो क्वालिफिकेशन, एनी रिलीजन, एवरी वन कैन कम। अभी लोग क्या समझते है, यह क्या तुम्हारी उम्र है सत्संग जाने की? अभी तो तुम्हारी खेलकूद के दिन है, फिर थोड़े जवान होते हैं तो बोलेंगे अभी तो कमाई करो, फैमिली को देखो, फिर जब सारी जिम्मेदारी खत्म होगी फिर आराम से सत्संग करेंगे। देखो कितनी अजीब बात है ना, सोचने वाली बात है। अभी अगर आपको 2G का फोन देंगे या सेकेंड हैंड फोन देंगे तो आप क्या बोलेंगे पता है? अरे ये क्या आउटडेटेड, वेरी स्लो, वी वॉन्ट स्पीड, वी वॉन्ट स्टाइल, इट्स टच स्क्रीन, इज नॉट वर्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझो आप नई गाड़ी खरीदने गए, आपने बहुत सुंदर गाड़ी ले ली और घर आने पर पता चला कि वह सेकेंड हैंड है, आपको कितना गुस्सा आएगा, आप कंप्लेंट करेंगे। अगर ओनर बोलता है काम तो चल रहा है ना, आप क्या बोलेंगे पता है? नहीं चाहिए मुझे ये गाड़ी, बहुत काम निकालेगी, सर्विसिंग करवाते रहना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही तो बात है, आपको यह चीजें नहीं चलती लेकिन हम यह सोचते हैं बूढ़े होंगे, बूढ़े होने पर सत्संग करेंगे। तब तो हम ठीक से 2 घंटे बैठ भी नहीं पाएंगे, बैठे बैठे नींद आ जाएगी, जुबान लड़खड़ाएगी, कोई आलोचना करता है हम सुन नहीं सकते, क्यों? सुनाई नहीं देता है ना, ठाकुर जी के बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे, कम कम जो दिखता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यह शरीर तब हम ठाकुर जी के काम में लगाएंगे क्योंकि तभी हमारी किसी को जरूरत नहीं होती, कोई हमारी सुनने वाला भी नहीं रहता है, तब ठाकुर के पास जाते हैं। क्या यह सही है? तो आप ही सोचो माय फ्रेंड्स। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, एक अगर छोटा बच्चा है, अगर आप उसको एक ज्यादा पका हुआ मोर राइपन बनाना देते हो और एक अच्छा सा एकदम फ्रेश बनाना देते हो तो वो क्या करेगा? वो एक फ्रेश बनाना को ही चूज करेगा। वैसे ही हम भगवान को हमारा शरीर एकदम बहुत यूज किया हुआ शरीर हम ठाकुर जी को देंगे, काम ठाकुर जी के काम लगाएंगे। तो सोचिए जितना जल्दी हो सत्संग जाओ, बूढ़े होने पर आपको कंपनी आपको ऑफिस से भी रिटायर कर देगी, तब क्या ठाकुर के काम करेंगे? इसलिए जल्द से जल्द ठाकुर के कामों में जुट जाओ। मैं मेरे उम्र के फ्रेंड से कहना चाहूंगा, हम जो कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मैं कैसे करूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज सोने से पहले जरा सोचना कि हमारा समय थिंकिंग में जाता है, शायद ओवर थिंकिंग में जाता है। हमारी बुद्धि एक मंकी की तरह है, वह स्टेबल नहीं है। जैसे मंकी एक डाली से दूसरी डाली कूदता है, वैसे ही हमारी बुद्धि भी चलती रहती है। अगर कोई जॉब चाहिए तो हम उस जॉब में रहते हुए भी दूसरे बड़े जॉब को सोचते हैं। एक आम इंसान और सत्संगी में इतना ही फर्क है, वह है सोच। आम इंसान सोचता है मैं कैसे दूसरों से आगे बढूं, और सत्संगी यह सोचता है कि मैं कैसे आगे बढूं जिसे देख औरों के आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। ठाकुर जी ने कहा है सत्संग कोई डिग्री या कोर्स नहीं है, जिसे कंप्लीट किया और हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सत्संगी होने के लिए कोई एज नहीं है, सुबह से शीघ्रम, इट्स अ प्रोसेस, और वो है बचो और बढ़ो। आज की सिचुएशन कैसी है? सत्संग मतलब वही गाना भजन, कुछ तो ऐसे भी है अंधश्रद्धा कहेंगे। हाँ होगी अंधश्रद्धा जब हम यह बोलेंगे कि ठाकुर कुछ चमत्कार करेंगे और होगा। ठाकुर ने कहा आप करोगे तो पाओगे, वही हमें क्या करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, यह जानना ही सत्संग है। सत्संग हर प्रश्न का उत्तर है, मुझे ठाकुर का आशीर्वाद है। देखिए लास्ट आलोचना में मैंने जो सवाल पूछा था, उसके दूसरे ही दिन अर्ली मॉर्निंग ऋतिक दादा माननीय सुधीर दा का फोन आया और उन्होंने अच्छे से समझाया ठाकुर ने क्यों कहा अर्थ मान यश अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पास मत आओ। कुछ फ्रेंड्स है वह कहते हैं व्हाई वी वेस्ट अवर स्टडी टाइम, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू,
वी कैन लर्न मोर न्यू थिंग्स इन दैट 2 आवर्स जो तुम सत्संग में डालते हो। मैंने कहा सही कहा कह रहे हो लेकिन मुझे वैसा नहीं लगता। तो उसने कहा क्यों क्यों जाते हो सत्संग टू वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा तुम जिम जाते हो। उसने कहा हाँ फिर मसल्स जो बनाना है बॉडी हेल्दी रखना है। मैं हेल्दी रहूंगा तभी तो एग्जाम लिख पाऊंगा। तो मैंने कहा सत्संग मेंटल जिम के लिए जाता हूं मैं। मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग है कि मैं पेन पेपर उठा पाऊंगा और लिख लूंगा लेकिन माइंड के मसल्स का क्या। क्या आपने की है यह एक्सरसाइज। आर दे स्ट्रांग आर दे रेडी टू टेक दिस स्ट्रेस जेलसी कॉम्पिटिशन डिप्रेशन एंग्जाइटी एक्सेट्रा। आपने आपके दिमाग को ट्रेन किया है पैसा कमाए बिजनेस गाड़ियां मॉल्स प्रेस्टीज के पीछे भागने के लिए लेकिन सत्संग ट्रेन करता है माइंड को ब्लेसिंग्स के पीछे भागने के लिए। हैप्पीनेस को ट्रू डेफिनेशन समझाता है। अगर आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है आप बहुत खुश हो जाओगे अगर आपको गुलाब जामुन मिला लेकिन इसलिए अगर मैं आपको हमेशा गुलाब जामुन दूंगा तो आप खाओगे। कोई मूवी आपको बहुत पसंद है वह आप कितनी बार देखोगे आप बोर हो जाओगे। तो मेरा सत्संग माइंड को स्टेबल रखता है। मेरा सत्संग पॉजिटिविटी सिखाता है। मेरा सत्संग 100 बार फेलियर आए तो भी उठकर 101वें बार भी लड़ने की ताकत देता है। आप पैसे के पीछे भागकर नोट्स को एटीएम में भरेंगे और वही पैसे खुशियां खरीदने में लगा लेंगे लेकिन मेरा सत्संग फ्री में खुशियां लेना और देना दोनों सिखाता है। मेरा सत्संग मन का एक्सरसाइज है और माइंड स्टेबिलिटी सिखाता है। नहीं तो देखो ना एक IITian बनने में कितनी मेहनत लगती है कितना पैसा लगता है। और IITian तो बहुत इंटेलिजेंट है फिर भी न्यूज़पेपर में पढ़ा सुसाइड। क्यों क्यों नहीं ले पा रहे ये प्रेशर भाई दे गिव अप। मैं सत्संगी हूँ माइंड एक्सरसाइज जो करता हूँ श्लोक पढ़ता हूँ भजन गाता हूँ और सबसे बड़ी बात ठाकुर की बातें सुनता हूँ। आई हैव नो प्रेशर क्योंकि ठाकुर चरण में हूँ। इतना विश्वास है कुछ ना कुछ ढंग का बन ही जाऊंगा कुछ ना कुछ कमाई कर ही लूंगा पहले इंसान तो बनू। मैं सत्संग से सीखा हूँ गिर के फिर उठना उठूंगा गिवअप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है किसके पास जाना है और किसका दरवाजा खटखटाना है। और एक बात इंसान की फितरत तो देखो जब भी कोई सक्सेस मिलता है तो गर्व से कहता है देखा मैंने कर दिखाया आई हैव अचीव्ड इट। और फेलियर आता है तब बोलता है हे साला नसीब ही खराब था। आज की ट्रेजेडी देखिए कोरोना इसने तो हमें हमारी औकात दिखा दी। सबसे मजबूत देश भी हार गया इटली अमेरिका अपने घुटनों पे आ गया है। हमें हमारा ठाकुर से रिश्ता निरंतर रखना है क्योंकि वही हमारे पिता है वही हमें बचाएंगे। इटली सेड दैट वी डोंट नो व्हाट टू डू बट वी नो दैट देयर इज समवन हु नोज एवरीथिंग दैट इज अवर ठाकुर जी। मेरा सत्संग मुझे सिखाता है कृत्याकृत्य विवेक। मेटेरियलिस्टिक की आशा करना बुरी बात नहीं है लेकिन मेटेरियलिस्टिक के पीछे भागना बुरी बात है। मेरे ठाकुर जी ने सिखाया शेयरिंग एंड केयरिंग एंड दैट इज जाजन। वी आर इन अ रेस सी वी आर डूइंग सत्संग वी आर रनिंग बट वी डोंट नो दैट हाउ टू गो टू द गॉड बट वी नो दैट समवन इज देयर विथ अस हु इज रनिंग विथ अस एंड वी नो दैट ही इज गोइंग इन राइट पाथ एंड ही विल लीड अस टू गॉड। सो वी जस्ट हैव टू डू एंड स्टिक विथ दैट आवर ऋतिक दादाज आर दैट ओनली वी हैव टू जस्ट स्टिक विथ दैट दादाज एंड दे विल लीड अवर पाथ टू ठाकुर जी। जय जय सुदर्शना जय गुरु। मेरी जो भी गलती हो गई थी उसको माफ कर देना और जो भी अच्छा लगा वो सिर्फ ठाकुर जी की कृपा है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जय गुरु।